चुनावी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ चंदन कुमार। आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। जुर्म का पर्दाफाश, त्योहार में जगह जगह जनसभा हो रहे हैं, तो इसी क्रम में बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी विजय दुबे को जिताने के लिए खड्डा में जनसभा किया। जनसभा के दौरान हेमा मालिनी ने कहा कि इस देश में जब जब अराजकता फैली है तथा जब अहंकार अपने चरम सीमा पर पहुंचा है तब तब उसका विनाश हुआ है। आज के इस धर्म युद्ध में कौरवों की सेना मोदी सरकार को अपने चक्रव्यूह में फंसाने का कुचक्र चल रही है। इस पर धर्म युद्ध में मोदी के आगे किसी की नहीं चल रही है, जिससे गठबंधन और महागठबंधन किया जा रहा है। भारत के भविष्य कहे जाने वाले युवा वर्ग किसी भी प्रकार के लोक लुभावने लालच में न आकर निष्पक्ष रूप से मोदी सरकार के पक्ष में वोट करें, क्योंकि देश में फिर से मोदी की ही सरकार बनने जा रही है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस वितरण, सौभाग्य योजना के अंतर्गत मुफ्त बिजली कनेक्शन और किसान फसल एवं दुर्घटना बीमा योजना के साथ प्रधानमंत्री आवास और शौचालय जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं को आर्थिक रूप से गरीब और कमजोर लोगों के लिए लागू करके उनको इन सभी योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। वहीं सपा बसपा और कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि ये तीनों पार्टियां आपस में मिलकर मोदी सरकार के विकास की बढ़ते रफ्तार को रोकना चाहती हैं। अपने भाषण के अंत में उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने की अपील की। इंडिया पावर न्यूज के लिए कुशीनगर से राम नारायण की रिपोर्ट। हम पैसा तो नहीं देंगे, हम ऐसे हम अपने आप को सेवा में करने के लिए आप सबके बीच में रहकर कर रही हूँ मैं। ये एक बहुत ही अच्छा काम हुआ और इसी वजह से और ये 5 साल में मोदी जी ने ऐसा काम बहुत कुछ काम करा है, तो मैं आपको पहले धन्यवाद दूंगी कि और प्रार्थना करूंगी कि आपने कमल खिलाया पिछले 2014 में और हमारी सरकार लाई और हमें इतनी शक्ति दी कि विपक्ष के लोग डरने लगे हैं। अभी और 5 साल दीजिए, देश को और मजबूत करेंगे और हर जगह कमल खिलाएंगे। खिलाएंगे कि नहीं? हमको ही खिलाना है, उसी में सबका भविष्य है, उसी में अच्छा काम आपके मोहल्ले में, आपके इस कुशीनगर में भी, हर जगह पूरा विश्व में, पूरा देश में नाम होता है, क्योंकि मोदी जी ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के लिए, जनता के लिए। आप जाते हैं महिलाओं के लिए, किसी भी वर्ग की महिला हो, उनको उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने गैस पहुंचाया खाना बनाने के लिए और किसानों के लिए, और लाइट बिजली तो हर जगह भी है, बिजली का कोई प्रॉब्लम है नहीं आजकल। मैं पूरा पूरा जगह जाती हूँ, पूरा गाँव गाँव जाती हूँ, मुझे मालूम है बिजली बहुत अच्छी तरह से मिल रही है। एक समय का बिजली नहीं थी, कांग्रेस सरकार के टाइम पे बिजली नहीं होती थी, तो अभी 2 साल पहले भी कांग्रेस ये हमारे यूपी में नहीं थी, लेकिन अभी अच्छी तरह से आने लगी है, मथुरा में मुझे मालूम पड़ता है सब। उनका सब देखा हुआ है, तो वो इमीडिएटली जैसे वो प्रधानमंत्री बने सारे ऐसे योजनाएं बनाए, 100 से भी ऊपर योजनाएं बनाकर उस सबको उपलब्ध कराया लोगों के लिए, सबको मिला है सारा, उनके पूरा सब लोग खुश है। अगर किसी को नहीं मिला है तो आप हमारे भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्यकर्ता लोग हैं उनसे पूछ के वो सब उपलब्धियों को आप हासिल कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा, आपके घर में सब लोग खुशी होंगे। ऐसा एक माहौल बनाया हमारे मोदी जी ने, उसमें अपना मन मत बदलना, समझ गए ना आप लोग, प्लीज। ये बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार का चुनाव बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है, इसको आप याद रखिए। आपका एक एक वोट बहुत ही जरूरी है। आप घर में मत बैठे, 12 तारीख को सब बाहर आइए, भले गर्मी होगी, इतनी गर्मी है।